गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल सेकंड क्लास सब्जेक्ट में आज हम चैप्टर 5 मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करें, सबसे पहले कैसे हमने मल्टीप्लाई सीखा है तो देखो, राइट द रिपीटेड एडिशन, बार बार जो रिपीट किया जाता है एडिशन को, उसको शॉर्ट फॉर्म के लिए हम यूज क्या करते हैं, एज मल्टीप्लीकेशन। ओके, क्या है कि बार बार एडिशन को रिपीट किया गया तो हम क्या करते हैं, बार बार प्लस करेंगे तो टाइम लगता है, प्लस में भी कंफ्यूज हो जाता है कितने बार प्लस हमने किया कितने बार नहीं किया। उससे क्या होता है कि हमारा एडिशन जो होता है जो सम होता है वो क्या होता है, गलत हो जाता है। ओके, उसको ईजी के लिए, उसको आसान के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पर 3 है। सबसे पहला क्या हो गया यहाँ पे 7 का टेबल 6।
मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट एज रिपीट एडिशन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। आपको क्या करना है, एडिशन में कन्वर्ट करना, बदलना है। जो हमने इससे पहले पढ़ा है जस्ट उसी का अपोजिट। सबसे पहले मैंने बताया था कि फर्स्ट नंबर वही होता है जो बार बार रिपीट होता है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, सिर्फ बार बार रिपीट हो। ओके, पर कितनी बार, ये कौन बताएगा ये यहाँ रहा हमारा, यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे क्या 4 टाइम्स, मतलब 4 बार हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1, 2, 3 and 4। 4 बार हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स हो गया हमारा, क्या हो गया 3। पहला नंबर 3 है तो हमने 3 को बार बार रिपीट किया, कितनी बार रिपीट करना है, 4 टाइम्स करना है, तो 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई आता है 3, 4 जा 1, 2, 2। ओके, नेक्स्ट देखो, 8 को रिपीट करना है, 8 कितनी बार, ये भी बताना बहुत जरूरी है, कितनी बार, 7 टाइम्स, तो धीरे धीरे करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सही है, 7 टाइम्स कर बोला गया है, 7 टाइम्स हमने लिखे, क्या लिखा है, 8 लिखा, 8 समझा 56, 8 समझा 56। कितनी बार प्लस करोगे, उससे चलो मल्टीप्लाई करके डालो, 8 समझा 56। 5 को बार बार रिपीट करना है, जरूरी को 5 को कितनी बार लिखना है, 5, 6 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा 5, ये हमारा क्या हो गया 6 टाइम्स लिखा था ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 जा 30, 30, 30। 2 को कितनी बार रिपीट करना, 9 टाइम्स करना है, तो धीरे धीरे काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये हो गया हमारा 9। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 9 9, 9 को रिपीट करना 3 टाइम्स ही करना, तो बाद में 9 करने में सब कंफ्यूज लगते हो आप लोग, 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 से जा 27, 9 से जा 27। अब यहाँ पे देखो, 1 को रिपीट करना है 10 टाइम्स, धीरे धीरे काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, फिर से दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, 10। अब देखो, 1 का टेबल आता है नंबर 10 जब 10 है ना, इजी मस्त कर लोगे आप लोग, तो हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर दिया एडिशन, मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एडिशन। ओके, आज हमने क्या पढ़ा है, मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करना है एडिशन में, और पहले क्या पढ़ा था, एडिशन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना था। ओके, ये मेथड आ गया, बहुत इजी, आराम से आप लर्न कर लोगे, समझ भी जाओगे। ओके, सिर्फ टेबल याद करना है आपको, ओके, इसकी प्रैक्टिस करना है।